तमाम दोस्तों को कमर जमान की तरफ से सलाम अर्ज है। आप देख रहे हैं कमर पीवीमिट्स। सो सबसे पहले हम प्रीवियस लेक्चर का क्विक रिव्यू कर लेते हैं और उसके बाद हम आगे चलते हैं, तो ताकि आपको रिवाइज हो जाए। तो आप भी इस वीडियो को बार बार देखें और जो प्रीवियस वीडियो हैं जो मैंने पहले अपलोड की हैं इस कमर पीवीमिट्स चैनल पर, तो उनको भी आप देख सकते हैं। तो ये बेसिक वर्ड्स हैं चाइनीज़ लैंग्वेज के, तो आप इन पर काफ़ी कंसंट्रेशन करें और पॉइंट आउट करके बोलें और बार बार दोहराएं ताकि आप एक इफ़ेक्टिव चाइनीज़ बोल सकें। आई होप यू आर स्पीक चाइनीज़ विद इन डेज वेरी वेल इंशाल्लाह। सो फाइनली हम स्टार्ट करते हैं। वाह वाह, ये ट्यून्स हैं। वाह वाह, लेकिन ये तीन चार लफ्ज़ जो मैं आज पढ़ाने जा रहा हूँ ये काफ़ी आसान हैं और मोस्टली लोग बोलते हैं और अंडरस्टैंडेबल होते हैं। आप नॉर्मली प्रोनाउंसिएशन में भी बोलेंगे तो ये लोग चाइनीज समझ जाते हैं। वाह नी था, तो आज हमने ये वर्ड्स ऐड किया है नियन। अगर आपका कोई बॉस या उस्ताद या आपसे कोई बड़ा है या आप किसी को इज्जत देना चाहते हैं या कोई ऑनरेबल पर्सनैलिटी है तो उसके लिए आप ये लफ्ज इस्तेमाल कर सकते हैं नियन नियन। वा नी नियन था, नियन और नी का मतलब सेम है यू और वा मैं, और ये तीन जबान में ट्रांसलेशन की गई है इंग्लिश उर्दू और हिंदी। जो लोग उर्दू को जानते हैं उनके लिए भी काफ़ी आसान है चाइनीज पढ़ना और साथ में इंग्लिश भी समझ आ जाएगी, और जो लोग हिंदी वाले हैं जो इंग्लिश को नहीं समझते और वो चाइनीज़ पढ़ना चाहते हैं उनके लिए भी काफ़ी आसान है, वो डायरेक्ट ही चाइनीज़ हिंदी के ज़रिए सीख सकते हैं। तो ये ट्रांसलेशन है, तो आप इंशाल्लाह आई होप यू आर स्पीक चाइनीज़ वेरी वेल विद इन डेज। सो उसके बाद फाइनली आज हम दूसरा सेगमेंट स्टार्ट करते हैं चाइनीज़ लेसन। तो आज हमने सिर्फ एक लफ्ज़ ऐड किया है, वो ये है मैन, एम ई एन मैन मैन वामन। ये प्लूरल के लिए इस्तेमाल होता है। पहला जो ट्यूटोरियल था वो था, पहला जो लेक्चर था वो सिंगुलर था और ये प्लूरल है, तो ये प्लूरल है वामन। वी आस हम सब, और ये हिंदी के वर्ड्स हैं। तो उसके बाद ये चाइनीज़ पिनियन के वर्ड्स हैं, ये चाइनीज़ करैक्टर नहीं है, ये चाइनीज़ पिनियन है जिसे मॉडर्न चाइनीज़ भी कहते हैं। तो ये समझना और पढ़ने के लिए काफ़ी आसान है और तमाम लोग यही सीखते हैं, और जो चाइनीज़ करैक्टर है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट होते हैं और अंडरस्टैंडेबल नहीं होते, वो नॉर्मली काफ़ी हार्ड वर्क करने के बाद ही तब जाकर समझ आते हैं। तो हमें वो ज़रूरत नहीं है सीखने की, हम बस बेसिक चाइनीज़ सीखनी है हमने, तो सिर्फ यही हमारे लिए बेटर है। वा मैन हम सब, वी नी मैन तुम सब यू गाइस, था मैन वो सब दे। और इसके बाद तकरीबन आज का हमारा टॉपिक ख़त्म होने को है, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इन लेक्चर्स को बार बार देखें अगर आप एक इफ़ेक्टिव चाइनीज़ बोलना चाहते हैं। तो मैं इंशाल्लाह ये तमाम लेक्चर्स विद इन डेज में अपलोड कर दूंगा। मैं काफ़ी हार्ड वर्क कर रहा हूं इस पर, ये तमाम काम मैं खुद ही करता हूं और ये पीडीएफ भी मैं खुद ही बनाता हूँ। तो उसके बाद इंशाल्लाह आपको कोई भी मसला मसाइल हो तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिए हुए हैं मुख्तलिफ वेबसाइट के, तो आप उनसे सोशल मीडिया के, तो आप उनके ज़रिए मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी और आपने खूब इंजॉय किया होगा। तो नए आने वाले दोस्तों से हस्ब रिवायत गुजारिश है कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आई कान को दबा दें ताकि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त हासिल कर सकें। तो अल्लाह निगेबान, अपना ख्याल रखें और मैं इजाज़त चाहता हूँ।